हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो फाइनली आज मैनेजमेंट चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे एक टॉपिक रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है की स्टडी आती है बहुत प्यार से अच्छे से टॉपिक तुम्हें समझ आ जाएगा यहीं पे लर्न भी हो जाएगा मेरी गारंटी है ध्यान से समझना क्लास पार्ट नंबर थ्री मैनेजमेंट चैप्टर नंबर वन क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के पांच फंक्शन है इनके बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ना मैं शॉर्ट है बताऊंगा शॉर्ट में ही पढ़ना है पहले चैप्टर में क्योंकि पांच फंक्शन नहीं पांच चैप्टर है चैप्टर नंबर थर्ड चैप्टर नंबर फोर चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर क्लास प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग सॉरी और तो ये जो पार्ट आपका ए है वो पूरे इन से भरा हुआ है डीपली इनको पढ़ेंगे दीज आर द फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप खुद सोचो मैनेजमेंट एक इंसान के बस की बात है प्लानिंग भी करना है ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग का मतलब क्या है मेंटल एक्सरसाइज गोल डिसाइड करना है कहां तक पहुंचना है हमारा टारगेट क्या होगा कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग काम करना स्टार्ट करें ये सब प्लानिंग के अंदर आ गया ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हर एक चीज अरेंज करना डिपार्टमेंट बनाना अरेंज करना एवरीथिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाना कौन किसको ऑर्डर देगा कौन ऊपर बैठेगा कौन नीचे बैठेगा ये सारी चीज ऑर्गेनाइजिंग देन एम्प्लॉय को भर्ती करना किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए कितने एम्प्लॉय चाहिए उनकी भर्ती करना उनकी ट्रेनिंग देना कहाँ से एम्प्लॉय उठाओगे आप कंपनी के अंदर से कंपनी के बाहर से ये सब स्टाफिंग के अंदर आ गया फिर एम्प्लॉय को डायरेक्शन देना उनको मोटिवेट करना उनसे कम्युनिकेशन बनाना ये सारी चीज़ें क्लास डायरेक्टिंग काम कर यहाँ पे काम एक्चुअल में शुरू हो जाता है इनिशिएट एक्शन और फिर देखना कि आपने जो प्लान किया था एक्चुअल में वो हुआ कि नहीं हुआ हो गया तो वेल एंड गुड और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ उसको ठीक करो ताकि आगे से वो गलती रिपीट ना हो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग दिस आर फाइव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डीपली हम एक एक करके पढ़ेंगे पूरा चैप्टर ये पांच चैप्टर नाउ मैंने शुरू में भी बात की थी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम है ना और एफिशिएंसी का मतलब क्या है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन मिनिमम कॉस्ट अगर लो कॉस्ट पे काम को पूरा कर रहे हो तो वो है एफिशिएंट और कम समय में पूरा कर रहे हो वो है इफेक्टिवनेस देखो इफेक्टिवनेस में पहले टी आ गया टी फॉर क्या होता है टाइम तो so, इफेक्टिवनेस में टी पहले आ गया टी फॉर टाइम टाइम पे पूरा करना और दूसरा लो कॉस्ट में पूरा करना ओरिएंटेशन ये टाइम ओरिएंटेड है टाइम की बात करता है ये कॉस्ट की बात करता है कॉस्ट को कम करो भैया सामान कम से कम बनेगा ना तो हम अगर थोड़ा सा मार्जिन रख के बेचेंगे तो भी हमारा बिकेगा हम सामान पांच रुपए का बना रहे हैं सात का बेच रहे हैं दो रुपए मुनाफा कमाएंगे बाई कंपनी छह का बना के सात का बेच रही है एक रुपए मुनाफा कमाएंगे अगर वो दो कमाएंगे तो इनको आठ में बेचना पड़ेगा और आठ में जैसे ही बेचेंगे लोग हमारा सामान खरीदेंगे हमारा सस्ता है साथ में तो लागत को कम से कम करना पड़ेगा तो ऑब्जेक्टिव क्या है एंड

कर दिया इस समय पे समय पे पूरा कर दिया तो कुछ भी बोले वो भले ही महंगा बनाया हो एक एक कार बनानी थी छह लाख की बना दिया आठ लाख का पर हाँ छह महीने में बनाना था छह महीने में बना दिया उसको तो छह महीने में बना दिया ना टाइम पे पूरा कर दिया भले ही ज्यादा खर्चा लग गया भले ही महंगा बन गया डबल बन गया ट्रिपल बन गया तो वो इफेक्टिवनेस है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है तो वर्कर जो है या वो जो मैनेजर है वो इफेक्टिव तो है लेकिन वो एफिशियंट नहीं है और अगर लो कॉस्ट में बनाया पर दो महीना लेट कर दिया एक महीना लेट कर दिया तो वो एफिशिएंट तो है मैनेजर लेकिन इफेक्टिव नहीं है तो एक लो एक कॉस्ट में एक ही पर समय पर पूरा करना है भले महंगा हो जाए तो भी नुकसान है और अगर आपने आ, सस्ता कर दिया और लेट किया तो भी नुकसान है तो समय पर पूरा काम हो और क्लास लो कॉस्ट में दोनों के बीच बैलेंस तो कंपनी को बैलेंस क्रिएट करना चाहिए दोनों के बीच में ठीक? हमारा लास्ट टॉपिक एसेंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कोऑर्डिनेशन इमेज से क्लियर हो रहा होगा क्लास कोऑर्डिनेशन यानी हम सब मिलके काम करेंगे एक दूसरे को समझेंगे पता कैसे चलेगा क्लास कोऑर्डिनेशन है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट रिमूव जहां पे कोऑर्डिनेशन रहेगा ना वहां पर जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है मिसमैनेजमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं क्लास कोर्डिनेशन की कमी है तो रिमूव क्योस कंफ्यूजन ईगो सेटिस्फेक्शन क्लास ईगो नहीं ईगो ईगो सेटिस्फेक्शन सिंक्रनाइजेशन बाइंडिंग फोर्स देखो ये एक बाइंडिंग फोर्स है सिंक्रनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स सबके एफर्ट्स को मिलाकर एक दिशा में लेके चले जाना दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एक उंगली में दम नहीं होती जब पांचों उंगली मिलती है ना तब क्लास घूसा बनता मुक्का बनता है ना एक उंगली से मारोगे ना दर्द नहीं होगा समझ रहे तो कोऑर्डिनेशन है आप एक लकड़ी तोड़ सकते हो लेकिन पांच छह नहीं तोड़ पाओगे तो, तो जब ये वर्ड कहीं आ जाए ना इस तरीके से तो ये की वर्ड्स है इसको क्या बोलते हैं क्लास कोऑर्डिनेशन बिजनेस स्टडीज आप समझ रहे हो पढ़ रहे हो अच्छी बात है लेकिन की वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखना इसके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है ठीक है इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो ये हो गया क्लास आपका कीवर्ड अच्छा कोऑर्डिनेशन है क्या कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स सो एज टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शंस टू अचीव गोल यानी कि ग्रुप मेंबर्स को एक दिशा में लेके चलते हैं क्लास उनके एक्शंस को यूनिफाई करते हैं ताकि क्लास ग्रुप गोल को अचीव कर सके कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्या है क्लास एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है इसमें तीन पॉइंट है क्लास ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन एसेंस क्यों है नेसेसरी क्यों है क्योंकि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग सब में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है प्लानिंग का ऑर्गेनाइजिंग से ऑर्गेनाइजिंग का स्टाफिंग से स्टाफिंग का डायरेक्टिंग से डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के और कंट्रोलिंग फिर से प्लानिंग को वापस लेके आता है तो ये पूरा साइकिल सबके बीच में कॉर्डिनेशन होना चाहिए कॉर्डिनेशन रिक्वायर्ड और लेवल टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल बिना कोऑर्डिनेट करे कैसे चल सकते हैं जब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्लास नीचे पॉलिसीज देगा रूल रेगुलेशन बताएगा पावर देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा तो भैया कोऑर्डिनेट तो करेगा ना बिना बातचीत करे कैसे चलेगा तो कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन में है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है और कॉर्डिनेशन क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज ध्यान रखना क्लास मैंने यहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है कॉर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फंक्शन जो है वो क्या है क्लास आपका कोऑर्डिनेशन है ठीक है अब बात करते हैं क्लास ये तो हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन हर फंक्शन के लिए चाहिए हर लेवल के लिए चाहिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन एन ऑर्गेनाइजेशन कांट रन सक्सेसफुली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑल अदर फंक्शन विल नॉट वर्क प्रॉपरली इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन तालमेल ही नहीं है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके बारे में तालमेल ही नहीं तो आपको मेरा पढ़ा समझ ही नहीं आएगा बिल्कुल भी और मुझे आप पे भरोसा नहीं है तो भी आप नहीं सीख सकते तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और कोऑर्डिनेशन परपिव है हर जगह तुम्हारे घर में रिलेशनशिप्स में तुम्हारे दोस्तों के बीच स्कूल टीचर्स में हर किसी में कोऑर्डिनेशन जहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है तालमेल नहीं है ना वहां पर कंफ्यूजन लड़ाई गेम में भी हर जगह फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला कॉर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स तो कॉर्डिनेशन क्या करता है यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आता है कॉर्डिनेशन क्या करता है यूनिटी ऑफ एक्शन सबके एक्शन को एक दिशा में लेके चलता है ग्रुप एक्टिविटी ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ता है दिस वेरियस इंडिविजुअल वर्किंग

नेक्स्ट है क्लास कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव मैंने कहा था हर जगह स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मस्जिद चर्च मंदिर ठीक है इसके अलावा छोटी कंपनी बड़ी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग रिटेल है सर्विस है गेम है हर जगह स्पोर्ट्स में हर जगह क्लास कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है अगला है कॉर्डिनेशन डेलीबरेट फंक्शन जानबूझ किया जाता है भले ही टॉप लेवल मैनेजर की लड़ाई हो मिडिल लेवल वाले से लेकिन फिर भी कंपनी के लिए कॉर्डिनेट करना पड़ेगा अगर तुम्हारे स्कूल की अगर तुम अपने स्कूल के टीचर्स नहीं पढ़ते तो वो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ भेदभाव करने की कोशिश करेगा बट आपके डाउट्स को बताने से मना वो नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे आप

अगर मैं सेल्स मैन हूँ घर जा जाकर बेच रहा हूँ और ग्राहक मुझे कोई प्रोडक्ट में कमी बता रहे हैं तो भैया मैं इस कमी को बताऊँगा आगे चल के परचे प्रोडक्शन वाले को भाई प्रोडक्शन वाले को बोलूँगा कि ग्राहक मुझे ये शिकायत बता रहे हैं इसको ठीक करो मैं कोऑर्डिनेट ही नहीं करूँगा तो क्या होगा फिर तो कभी सॉल्यूशन खत्म होगा नहीं सेल्स डाउन हो जाएगी

अगर ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है ना तो कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा एक टीचर क्लास के अंदर 20 बच्चे बैठाता है तो उन 20 बच्चों को पढ़ाना देखना मैनेज करना बड़ा आसान रहेगा आपका। अब देख जितने बड़े स्कूल्स होते हैं ना क्लास वही क्लास में जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो होता है आमतौर पर इन जनरल एक्सेप्शन जरूर होगा तो वहां पर बच्चे कम बैठते हैं सो so दैट बच्चे कम बैठता कि टीचर हर एक बच्चे पे ध्यान दे सके अलग अलग सेक्शन में आ जाते हैं जो अनऑथोराइज स्कूल्स होंगे जहाँ पे जो अनऑथराइज स्कूल्स होते हैं बेसिकली है ना जो किसी और से एफिलेटेड होते रजिस्टर्ड होता होते आप उनमें ना, वो बच्चे भर भर के बैठाते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं है भाई पढ़े बच्चा ना पढ़े वो तो जानते हैं कि भाई बच्चों को ट्यूशन में भी लूटेंगे ट्यूशन बोलेंगे ट्यूशन में आके पढ़ो तो वहाँ पे कई सारे बच्चे मिलेंगे तो उन उनको कॉर्डिनेशन ज्यादा करना पड़ेगा फिर टीचर को हर एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा तो बच्चे जितने ज्यादा हैं उसी तरह से कंपनी में अगर वर्कर बहुत ज्यादा है ना तो भैया आपको हर एक वर्कर से बात करना पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा काम करवाने के लिए कॉर्डिनेट करना पड़ेगा सो so, ये कहता है कि अगर आप कंपनी का साइज बढ़ाते हो तो कॉर्डिनेशन की जरूरत उतनी ही ज्यादा पड़ेगी रोल ऑफ कॉर्डिनेशन इंक्रीजेस वेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑल द एम्प्लॉय विद हारनी सारे एम्प्लॉय को एक ही दिशा में लेकर चलाना बड़ा मुश्किल है दो लोग है दो लोगों को तो ले जाओगे अगर बीस लोग है तो उनको एक दिशा में लेके चलना बड़ा मुश्किल है लोग डाइवर्ट करते हैं तो कॉर्डिनेशन हेल्प करता है क्लास उनके एक्शन में यूनिटी लेके आना कि सब लोग एक ही दिशा में चले गोल को अचीव करने के लिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है मुझे बताओ कॉमेंट में लिखना ग्रोथ इन साइज छोड़ो मत एग्जामिनेशन टाइम पे करेंगे अभी से आज से इसी वक्त से याद करना चालू कर दो थोड़ा थोड़ा कॉपी में कॉपी में हेडिंग हेडिंग लिखो अंदर का बना के लिखो अगला क्या है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन

एट वेरियस डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी के अंदर है ना हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट होता है उसको लगता है कि मैं ही कंपनी चला रहा हूं मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है ईगो बन जाता है उसके अंदर दे फील दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इफ ऑल एक्सपर्ट वर्क इन देयर ओन वे अगर हर एक्सपर्ट अपनी अपने तरीके से काम करेगा तो उससे क्योंस होगा कंफ्यूजन होगा सो so कॉर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है हर एक एक्सपर्ट और स्पेशलाइज को एक कॉमन दिशा में लेके चलने के लिए उनका ईगो खत्म करने के लिए कि उनके बीच में कोई ईगो ना आ जाए कि मैं ही हूं मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो वो अहंकार तो बीच में तालमेल तो पहला ग्रोथ इन साइज फंक्शन डिफ्रेंशिएशन स्पेशलाइजेशन अंदर का अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिख सकते हो आप इनकी हेल्प ले सकते हो नोट्स की और क्लास हेडिंग uh, जो है आपको एज इट इज लिखनी है अगर आपको बोला जाता है इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन लिखने के लिए तो कीवर्ड बता दिया क्लास मैंने फीचर इंपोर्टेंस बता दिया इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी हो गया बाकी पूरा पूरा का चैप्टर क्लास पे एंड हो गया राइट right? तो पहला चैप्टर हमने खत्म किया है तीन पार्ट्स के अंदर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नोट्स मैंने टेलीग्राम पे क्लास और एसपीसी दी दिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से लर्न करना आप अपने खुद के नोट्स बनाओ अपने हाथ से लिख लिख के बनाओ सो so दैट वो लंबे समय तक याद रहेगा जितना प्रिंट निकलवाओ अपनी कॉपी में लिख के रखो उसको कुछ ऐड कर सकते हो लाइन कुछ लाइन कम कर सकते हो आपको लग रहा टफ है याद नहीं कर पाऊंगा ऐसा बनाओ जो आपको याद रहे अच्छे से और हर की हर इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना बिकॉज वो सीवीट में भी काम आएगा और ट्वेल्थ में भी काम आएगा नोट्स नोट्स ऐसे बनाओ कि दोनों में में काम आए और उन्हीं से फिर बाद रिविजन करो हालांकि मैं रिविजन कराऊंगा यहाँ पे लेकिन फिर भी आपके पास एक मेटेरियल होना चाहिए आप जितने भी पेपर आगे के होते हैं यूटी होगा क्लास ऐसे होगा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मिड टर्म होंगे प्री बोर्ड होगा प्री बोर्ड टू होगा उन सब में यही नोट्स काम आएगा एक ही नोट बना लो क्लास उसी को पलटा के पढ़ना आपको पलटाती सारा दिमाग में लर्न हो जाएगा वो ठीक है तो पहला चैप्टर आई हो पे आप याद करके आओगे अच्छे से समझिए डाउट कोई, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो टेक बाय बाय